असलम सो मैनी ऑफ यू हैव बिन एस्किंग मी अबाउट इफ़ यू वॉन्ट ओपन द स्कूल दिस आर द रिक्वायरमेंट स्कूल रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट स्टाफ तो हेयर वी विल डिस्कसिंग अबाउट अगर आप अपना स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो ऐसा है कि स्कूल ओपन करने के लिए जो लोग पूछ रहे थे बार बार कि रजिस्ट्रेशन um, के क्या प्रोसेस होता है हमें uh, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इदारा बाउंड नहीं करता है कि आप पहले स्कूल की रजिस्ट्रेशन कराएँ देन यू विल भी कैपेबल टू स्टार्ट इट आपको पहले स्कूल की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए और उनको कंप्लीट करना होता है उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ चलते हैं तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ बिग डील तो बिकॉज रजिस्ट्रेशन तो जो है वो आपकी तकरीबन एक साल डेढ़ साल बाद भी हो जाएगी जब आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है स्कूल के स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करेंगी तब एंड एनअर थिंग इफ यू आर लिंकड विद ए चेन सिस्टम की रिस्पांसिबिलिटी भी उनकी होती है नंबर टू इफ नॉट रजिस्ट्रेशन दैन वाट शुड भी आर मेन प्रियॉरिटी आर मेन प्रियोरिटी शुड भी आर मेन फोकस शुड भी आर बिल्डिंग लाइक फर्स्ट ऑफ आल आपको ये डिसाइड करना है कि डू यू हैव योर ओन बिल्डिंग आर यूर गोइंग ऑन रेंटल बेसिस तो इसमें बहुत ज़्यादा सबसे पहले मतलब ये है कि आप जब कोई भी इदारा स्टार्ट करते हैं तो आपने एटलीस्ट एट लीस्ट अपना फ़ाइव टू टेन ईयर्स का बैकअप रखना है और ये सोच लेना है कि ऐसा हो सकता है कि पाँच से दस साल तक हमें कामयाबी ना मिले पाकिस्तान में स्पेशली समाइम्स uh, ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं जिसकी वजह से स्कूल्स बहुत सफ़र करते हैं समाइम्स आपको खुद से फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन योर माइंड कि आपने फ़ाइव टू टेन इयर्स का बैकअप अपने पास रखना है और ये बैकअप भी तब रखने की ज़रूरत है जब आप रेंटल बेसिस पे हैं अगर आपकी बिल्डिंग अपनी है तो वो किसी ना किसी तौर पर अपने अखराज निकालना शुरू कर देती है या आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको स्टाफ इनकम देनी पड़ती है और उसके बाद यू आर डन थर्ड नंबर पर है लोकेशन तो अगर आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट है तो लोकेशन मैटर करेगी लेकिन इफ़ यू आर लो ऑन बजट तो लोकेशन मैटर नहीं करती है आप कहीं पर भी अच्छा काम करके अपना स्टैंडर्ड डिवेलप कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास अब ये एक बहुत डिटेल वीडियो में बात चली जाती है तो मैं बजट तो आप कंपटीशन में आते हैं आप अच्छे स्कूल तो के साथ कंपीट करते हैं बट इफ़ यू आर लो इन बजट तो आपको लो फी के साथ हाई स्टैंडर्ड्स देने के बाद दूसरे स्कूल के साथ करना पड़ता है। फोर्थली वी शूड टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर Uh, अब आप ये भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम करना चाहते हैं अगर आप uh, के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस है तो आपका जो फ्रंट है वो बहुत यूनिक किस्म का होना चाहिए जो uh, बाहर से गुजरने वाले लोगों को uh, अट्रैक्ट कर सके इसके अलावा जो आपके इंटीरियर uh, आता है प्ले uh, एरियाज़ और जो आपके प्री सेक्शन हैं उसके ऊपर आपको मेन फोकस करना चाहिए किसी भी स्कूल का जो एसेट होता है वो प्री सेक्शन होता है हमेशा और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स के जो स्कूल हैं जैसा कि हमने भी अपने स्कूल को प्री सेक्शन से ही स्टार्ट किया था तो आप अगर अपने प्री सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज़ करवा के उनके प्रॉपर सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करवाते हैं और उसके बाद उनको आगे लेकर आते हैं तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल बिकॉज़ वो बच्चे आपको आगे आके बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे शॉपिंग तो शॉपिंग सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इशू है इसमें आपके स्टेमना का भी पता चलता है बिकज़ uh, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं क्वालिटीज़ होती हैं प्राइस वेरिएशन होती हैं तो यू मस्ट हैव टू विज़िट अ लॉट ऑफ प्लेस फर्स्ट और फिर आपको किसी चीज़ पर कुछ डिसीजन लेना चाहिए और सेकेंडली इफ़ यूर लो ऑन बजट तो आपको जो मार्किट्स uh, हैं सेकंड हैंड मार्केट्स हैं जो uh, जैसे कर्टनस आपको चाहिए तो आपको पठानों वग़ैरह से बहुत अच्छी क्वालिटी के करटन मिल जाते हैं इफ़ यू आर लो इन बजट लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं आपको कभी भी ये uh, नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप सेकेंड हैंड चीज़ें यूज़ करें और कुछ हार्ड सॉफ्ट टॉयज़ तो नहीं बिकॉज सॉफ्ट टॉयज़ बच्चों ने बच्चे प्ले करते हैं तो वो उनको अपने साथ लगाते हैं किस करते हैं तो वो तो नहीं हमें सेकंड हैंड लेने चाहिए अगर आप ले रहे हैं तो उनको मस्ट वॉश करवाइए जाएगा ताकि बच्चों को किसी किस्म का कोई जर्म्स इंट्रैक्शन uh, ना हो बट विद हार्ड टॉयज़ वो हार्ड टॉयज़ जो हैं वो आप सेकेंड हैंड बाई कर सकते हैं और स्कूल की शॉपिंग एक बहुत लंबी लिस्ट है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है प्रिंटर्स से ले आपको फर्नीचर्स ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो और कभी भी पैसों पे मत जाइएगा चीज़ ख़रीदने से पहले उसकी क्वालिटी देखिए उसकी ड्यूरेबिलिटी देखिए कि वो कितना ज़्यादा आपका साथ देगी क्योंकि जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको ऑन टाइम हर चीज़ चाहिए होती है और जब आपको ये चीज़ें जो है वो तंग करेंगी ना तो आपका बहुत डिसिप्लिन डिस्टर्ब होगा उसके बाद स्टाफ की बारी आती है एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि इफ़ यू आर गोइंग विद एनी चेन सिस्टम तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ता है और आपको बहुत सारी चीज़ों में अवेलेबिलिटी भी मिलती है हेल्प आउट भी आपको वो करते हैं और बड़ा इजी रहता है सिस्टम बट इफ़ यू आर गोइंग विद योर ओन चेन सिस्टम आप पहली चेन बना रहे हैं उसके बाद आप तो आपके लिए ये समझें कि इट्स लाइक एन ऑशन बिकॉज uh, आप फ्री हैं आप कुछ भी करने के लिए फ्री हैं लेकिन आपका डिसीजन इतना स्ट्रॉग होना चाहिए इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि वो आपके स्कूल को डिस्टर्ब ना करे तो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टाफ फर्स्ट हमारे पास कस्टोडियन स्टाफ आता है जिसमें आपके पास अगर दो भी uh, काम वाले वर्कर हैं uh, सफाई वगैरह के लिए uh, तो वो मोर देन इनफ हैं और मेल uh, प्रेफरेंस में रखें बिकॉज जो फीमेल्स हैं वो uh, काफ़ी ज़्यादा uh, तंग करती हैं जो आया वाला स्टाफ है उनकी आ, उन वो सबसे ज़्यादा तंग करने वाला स्टाफ है ना लेट्स टॉक अबाउट स्टाफ में अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर हायरिंग uh, से ऐसे लोग भी हैं जो क्या करते हैं कि पहले दस बारह टीचर्स रख ली उसके बाद ना समझ आ रहा है बच्चों को पढ़ाना है या टीचर्स को गाइड करना है तो आपने चार से पाँच ऐसे टीचर्स हायर करने हैं जिनके अंदर मल्टी टास्किंग एबिलिटी हो जो कि डिफरेंट टास्क कर सकें जो आर्ट वर्क भी कर सकें कंप्यूटर वर्क भी कर सकें पढ़ाने में भी अच्छी हों हर किस्म का सब्जेक्ट ओवरऑल वो पढ़ा सकें और उसके लिए आपको अगर उन तीन चार टीचर्स के ज़्यादा भी पे करना है पड़ता है तो वो बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू तो अगर आप दस बारह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रख रहे हैं और हर कोई आपको अपने मशवरे दे रहा है और आपको खुद भी नहीं समझ आ रही कि अब करना क्या है उसके बाद अगर बात करें हम एडमिन uh, स्टाफ की तो यू आर द बेस्ट इन uh, ऑल आप अगर खुद अपने फ़ी के जो मामलात हैं और जो स्टार्ट पे एडमिशन इंक्वायरीज़ हैं उनको डील करेंगे वो तो सबसे बेस्ट है उसके बाद आपकी सेशन स्टार्ट डेट एक डिसाइड करना उसके अकॉर्डिंगली अपने स्टाफ के साथ वन मंथ बिफोर बैठ के सारी की सारी प्लानिंग कीजिए आपकी प्लान प्लानिंग बहुत स्ट्राग होनी चाहिए आपका नोटबुक वर्क की प्रजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और जो डेट आपने डिसाइड की है उसी डेट पर आपने स्कूल स्टार्ट कर देना है इवन इफ़ यू आर हैविंग ओनली वन नंबर ऑफ स्टूडेंट अलहमदिल्ला हमने जब अपना स्कूल स्टार्ट किया किया था तो हमारे पास सिर्फ दो स्टूडेंट्स थे ओनली टू स्टूडेंट्स और उन टू स्टूडेंट्स के साथ भी हमने सेशन स्टार्ट किया था हमने ये नहीं सोचा था कि अब ये दो स्टूडेंट्स को क्या करना है तो अलहमदिल्ला उसी सेशन में हमारे पास मजीद बच्चे भी क्योंकि एक से ही आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जी आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना पड़ेगा अपने रेस्ट को हर्ट करना पड़ेगा अपनी फैमिली को कम टाइम देना पड़ेगा योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी स्कूल फॉर एटलीस्ट टू इयर्स आपने दो साल तक और उसके अलावा आपको बिहेवियर बहुत मैटर करता है आपने अपने स्टाफ के साथ और अपने जितने भी पेरेंट्स हैं उनके साथ आपने बहुत पोलाइट बिहेव रखना है प्लस प्रोफेशनल रखना है आप अगर सिर्फ लोगों को अपने से डराने पर लगे रहेंगे अपने स्टाफ को अपने से डराने पर लगेंगे तो वो आपसे डर आ, काम नहीं करेंगे ठीक है तो आप रिस्पेक्ट की, कीजिए और रिस्पेक्ट करवाइए और बाकी इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है आ, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है आपने हिम्मत नहीं हारनी है आप अगर इस तरह के बंदे हैं कि जो फ़ौर से परेशान हो जाता है जिनमें बर्दाश्त नहीं है तो वो प्लीज़ ये सिस्टम स्टार्ट करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं क्योंकि समटाइम्स ऐसे ऐसे टाइम आते हैं कि आप बिल्कुल मायूस हो जाते हैं कि बस यहाँ पे मेरा एंड हो गया लेकिन आपको सुनना भी पड़ता है पेरेंट्स से भी समटाइम्स सुनना पड़ता है बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है फिर सिस्टम ग्रो करते हैं और डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत जल्दी कोई प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा आप सिर्फ अपनी मेहनत करें दो से तीन साल कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहें इंशाल्लाह आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा इसके अलावा आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपने देखा होगा वीडियो में, में मेरा बेटा भी साथ बैठा हुआ है और सीरियसली uh, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्कूल का भी काफ़ी काम होता है तो समाइम्स uh, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा जब कमेंट करते हैं किसी चीज़ का तो मैं उसका आंसर करूँ एनी हाउ थैंक यू सो मच